सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डेनन के एक 5.1 चैनल एम्पलीफायर की, जिसका की मॉडल नंबर है AVRX250BT। बीटी का मतलब हो गया दोस्तों ब्लूटूथ, की इसमें ब्लूटूथ भी है। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी लुक जो है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको इसका डेमो भी दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो भी आपको बताऊंगा प्राइस के साथ में दोस्तों। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक अपना नहीं बनाया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करिए और इसे लाल कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को अपना बना लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं एक बात पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सा मॉडल है ये कंपनी की तरफ से ये बंद हो चुका है मॉडल, बट मार्केट के अंदर ये अभी भी आपको मिलेगा। इसका रीजन क्या होता है कि दोस्तों जब इस एंट्री लेवल का सेट कोई भी आता है जो कि काफी सस्ते रेट में होता है, तो जब हम उसका सामान मंगवाते हैं, लॉट जब हम मंगवाते हैं कंपनी से, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है कंपनी हमें देती है, तो इतनी सेल नहीं होती है जितना कि वो हमें क्वांटिटी दे देते हैं उसकी, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो इस वजह से कंपनी तो एक साल के बाद उसे बंद कर देती है, मगर वो दो दो तीन तीन साल तक भी आपको मार्केट में मिलता रहेगा मेरे पास। तो दोस्तों इसे खोलने से पहले इस डब्बे में जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो जो फीचर दिए गए हैं, पहले हम एक बार उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले हम बॉक्स के ऊपर लिखे गए कार्यक्रम को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बताया गया है, तो उसे मैं आपको एक बार पढ़कर भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारा 5.1 चैनल एम्पलीफायर है ब्लूटूथ के साथ, जिसमें कि जो ऑडियो फॉर्मेट है हमारा वो हमारा 4K अल्ट्रा HD है, कि इसे आप 4K रेजोल्यूशन पर भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। मतलब कि इसकी जो HDMI है उसे हम 4K तक भी सपोर्ट करती है वो। तो उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नीचे आप देखेंगे तो 130 वॉट पर चैनल इसकी आउटपुट दी गई है। डॉल्बी ट्रू HD और DTS HD तक के फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है, जो कि एटमॉस से पहले के है। एटमॉस के ऊपर के जो फॉर्मेट है वो इसे सपोर्ट नहीं करेगा, मगर उससे वहाँ तक के जो उनसे फॉर्मेट्स हैं वो सारे ये एम्पलीफायर आपका सपोर्ट करता है दोस्तों। उसके बाद में और नीचे की तरफ देखोगे तो ब्लूटूथ के बारे में बताया गया है। एक्चुअली लैंग्वेज पता नहीं मुझे कौन सी लिखी हुई है, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो उससे नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो 4K 60 पिक्सल पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दिया गया है। HDBPC जो सा है वो 2.2, मतलब कि जो HDMI इसकी सपोर्ट करती है वो 2.2 HDMI इसमें यूज़ हुई है। उसके बाद में 5 जोन से हैं इसके HDMI इन दिए गए हैं, और एक जो है वो आउट दिया गया है दोस्तों। आप इसे इको मोड पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके बिजली का बिल थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्तों। तो एक तरफ का तो हो गया, आप दूसरी तरफ भी एक नज़र मार लेते हैं दोस्तों इस पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है इसका मॉडल नंबर AVRX250BT BKE2, मतलब कि मेन जो मॉडल नंबर है इसका वो X250BT है। ब्लैक कलर का ये यूनिट है, E2 का मुझे भी नहीं पता क्या है ये। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दिया गया है, ये फिर से मॉडल नंबर दिया गया है। इसका वेट दिया गया है दोस्तों जो है कि 9.2 kg इसका वेट है, और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो है हमारी मेड इन वियतनाम का ये बना हुआ है। वो एक तरफ हो गया, आप दूसरी तरफ और देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों फिर से एक चिट दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से वही डेनन का मॉडल नंबर बताया गया है। क्वांटिटी इसमें 1 नंबर है, और इसके बाद में जो इसका इंपोर्ट का ईयर है वो अक्टूबर 2019 है, मतलब कि अभी 2 या 3 महीने पहले ही। और जो इसका रिटेल प्राइस MRP है जो उनका वो है हमारी 35,900। ओरिजिन चाइना है, इम्पोर्ट बाई ProFX। तो चलिए ये तो डब्बे का कार्यक्रम हो गया पूरा, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थी इसके डब्बे में दी गई कुछ जानकारी, जिससे कि हमें काफी कुछ पता लग गया है और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हमें पता लग गया है। तो अभी टाइम आ गया है दोस्तों इसे खोलकर इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करने का। तो चलिए अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए इसे मैं कट कर देता हूँ, इसे हम खोलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं बात को अपनी। तो इसे मैं जरा सा उतार लेता हूँ पहले। तो ये दोस्तों हमें इसमें एंटीना दिया गया है AM/FM के लिए, दोनों के लिए। ये हमारी कुछ जन्म पत्री दी गई है, इसके बारे में अगर इसका रिश्ता विश्ता करना हो तो उसके काम आएगी ये। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरा कोई इच्छा नहीं है पढ़ने की इसे। और उसके बाद में हमें यहाँ पर डेनन का ही एक रिमोट मिल जाता है, साथ में हमें 2 AAA सेल बैटरीज मिल जाती हैं इस रिमोट को चलाने के लिए।
और एक यहाँ खोपचे में हमें मिल जाती है एक पावर कोड जो कि हमारी इंडियन प्लग के हिसाब से ही बनी गई है, तो ये हमें एक इसमें पावर कोड मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसे हम एक बार अब बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, तो थोड़ा सा इस पर मैं आपको जानकारी भी दे देता हूँ पहले। यहाँ देखिए हमारा सोर्स के लिए हमें एक नोब दिया गया है जो कि हमारा सोर्स सिलेक्ट करने के लिए है। यहाँ हमें मिल जाता है दोस्तों इसका पावर बटन जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है और ये सब में ही होता है। इसके बाद यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाता है एक इसकी लाइटों के लिए कि ऑन ऑफ का जो शो करेगा। ये जो से बटन्स आप देख रहे हैं ये हमारे ट्यूनिंग के लिए हैं दोस्तों, अगर आप FM वगैरह सुनते हैं तो ये भी ट्यूनिंग के लिए हैं। ये प्रेजेंट क्या है, ये ट्यून करने के लिए है। ये हमें डिमर दिया गया है इसकी स्क्रीन के लिए, स्टेटस है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या चला है, कौन सा सोर्स आपने सिलेक्ट किया है, उसमें कौन सा फॉर्मेट इस टाइम प्ले हो रहा है, वो सब यहाँ से मिलेगा। ये कुछ क्विक सिलेक्शन दी गई है जैसा कि सेट दिया गया है, DVD दिया गया है, गेम दिया गया है, ब्लूटूथ दिया गया है। ब्लूटूथ के लिए ये की दी गई है, इसे आप जब दबाते हैं तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। नीचे ये एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पर कि आप इसका पहले मॉडल नंबर दिया गया है, यहाँ पर ब्लूटूथ दिया गया है, यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो DTS HD लिखा गया है कि ये इसे सपोर्ट करता है। 5x130W मतलब कि 130W पर चैनल ये इस आउटपुट देता है हमें। तो दोस्तों यहाँ हमें HDMI की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि है कि 5 in है इसमें, 1 हमारी आउट है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, विद ARC यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल। इससे आगे बढ़ेंगे तो 4K वीडियो UHD एंड HDR HDCP2.2 को ये सपोर्ट करता है। इको मोड पर भी ये वर्क करता है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ अगर देखेंगे आप तो ये इसका वॉल्यूम का नोब दिया गया है, इस काफ़ी खूबसूरत सेट है, एंट्री लेवल का सेट है दोस्तों ये, मगर काफ़ी अच्छी लुक में भी है और इसकी परफॉर्मेंस भी जो सी है वो भी मैं कई जगह लगा चुका हूँ तो अच्छी है बजट के अंदर के हिसाब से। तो दोस्तों ये इसके बैक पैनल का एक तरफ का व्यू है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये येलो पिंस दी गई है जो कि हमारी वीडियो को इन करने के लिए, अगर आप आज भी एनालॉग आउट यूज़ करते हैं तो, जो कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी करता होगा, वीडियो को कौन अब इससे देखता होगा यहाँ RCA केबल से। तो इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हमारे को ऑडियो इन के लिए 2 स्लॉट दिए गए हैं, एक हमारा सेट के लिए, एक मीडिया प्लेयर के लिए दिया गया है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ हमें सबवूफर के लिए प्री आउट मिल जाती है दोस्तों। इधर आप देखेंगे तो हमें ऑप्टिकल के लिए 2 इनपुट दिए गए हैं जो कि ठीक भी हैं, इनफ भी हैं, अच्छे भी हैं, 2 शायद किसी के लिए कम हो सकते हैं मगर चलिए, बाकी HDMI भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये 5 हमें HDMI इन दिए गए हैं जिसपे कि एक हमारा DVD ब्लूरे है, मीडिया प्लेयर है, केबल सेट है, ब्लूरे है, गेम्स है। नीचे लिखा गया है 4K HDPC 2.2, ये हमारे 5 इन है। ये हमारा एक आउट दिया गया है जो कि मॉनिटर आउट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर 4K को सपोर्ट करता है, ARC को भी सपोर्ट करता है। यहाँ आप नीचे की तरफ आएंगे तो AM और FM के लिए एंटीना लगाने के लिए ये स्लॉट्स दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए ये पुश टर्मिनल दिए गए हैं, ये हमारे दोनों फ्रंट के लिए हैं जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट के लिए। ये हमारा जो सा है ये सेंटर के लिए है, ये दोनों हमारे सराउंड स्पीकर्स के लिए हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये इन्होंने बताया है कि आप इसमें तार जो सी लगाएंगे वो कैसे लगानी है आपको, तो इसको अभी थोड़ा सा मैं वहाँ की तरफ खिसका देता हूँ तो दूसरी तरफ भी देख लीजिएगा। दूसरी तरफ कुछ है नहीं, वैसे खाली है वो पूरा, सिर्फ यहाँ पर एक हमें पावर कोड लगाने के लिए AC इन दिया गया है, 230 volts पे दोस्तों काम करता है ये। यहाँ हमें मॉडल नंबर और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है, इसकी जो पावर कंजप्शन है 300 watt पावर कंजप्शन दी गई है। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दिया गया है दोस्तों, बस इतना है इसमें, इसमें और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये सब कुछ था इसके अंदर दिया गया जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब बात आ जाती है दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसकी छोटी सी परफॉर्मेंस का क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, आप बताइएगा कैसा लगा। तो दोस्तों ये थी इसकी परफॉर्मेंस का छोटा सा एक क्लिप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि हाँ आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी होगी तो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया करो भाइयों, बहुत जरूरत है आपके सहयोग की, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना।
तो चलिए अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप घर पर रहो अपने, जो कर रहे हो करते रहो आगे, मुझे क्या लेना देना उससे, बस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बस इतना ही है, बाकी तुमने जो करना है करो घर बैठ के मगर। तो फिर मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में, बाकी आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही दुआ है मेरी, चलता हूँ मैं दोस्तों अभी, जय हिंद। सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।